भाई मसूरी में पहली बार काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक लखनऊ की ओर से स्थानीय महिलाओं के लिए अगरबत्ती प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि खादी ग्रामोद्योग के राज्य निदेशक राम नारायण ने शिरकत की। मौके पर CIMP से आए हुए अधिकारियों ने स्थानीय महिलाओं को अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण दिया और अगरबत्ती बनाने में इस्तेमाल होने वाली फूलों से लेकर बांस की बारीक लकड़ी तक का विवरण विस्तार से समझाया। जो लोकल में हमारे पास अवेलेबिलिटी है, लोकल रिसोर्स हमारे पास अवेलेबिलिटी है और लोकल लोग जो अवेलेबल है कम मिनिमम रिसोर्स पे वो लोग ट्रेंड हो और अपने घर में ही रहे, अपने घर छोड़ के ना जाए, पलायन रुके, तो ये इसमें बहुत बड़ा ये एक सक्सेसफुल काम करेगा। दूसरी बात, हम साथ साथ इन्वायरमेंट को भी बचाने की बात कर रहे हैं और जो उसका बेसिक अपना कल्चर से जुड़े रहेंगे आप लोग, तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम, अच्छा प्रोग्राम है। मसूरी में हम लोगों ने लगभग 30 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया है। यहाँ पे रुचि देखने को मिली, कई महिलाओं ने तो पहली बार में ही अच्छी अगरबत्ती बना ली और बड़ा अच्छा कर रही हैं और आशा करते हैं कि आगे ये जब एक बार प्रैक्टिस इन लोगों का हो जाएगा तो और अच्छी अगरबत्ती और एक जैसी एक क्वालिटी की अगरबत्ती बनेगी। यहाँ एरोमेटिक प्लांट्स, जड़ी बूटियाँ और विभिन्न प्रकार के पुष्प भी स्थानीय, बहुत सारी जो खुशबूदार पौधे हैं, चाहे पुष्प हैं चाहे जड़े हैं, उनका उपयोग करके जो अगरबत्ती बनाएंगे हम, तो बहुत मार्केट में एक नया रूप लेकर के आएंगे, नए वेरिएंट में आएंगे, तो इसके बाजार की कोई तकलीफ नहीं है। खादी ग्रामोद्योग आयोग के पास पूरे भारत में 8000 से ज्यादा बिक्री केंद्र हैं, उनके माध्यम से भी इन अगरबत्तियों का हम बिक्री कर सकते हैं। मसूरी इन इट सेल्फ इज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो यहाँ पे तो इतना टूरिस्ट आता है, कोई मुश्किल ही नहीं होगी अगर हम यहाँ के इंडिजिनस जो लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूज करके अगरबत्ती बनाएं। और एक बार हमने मार्केट जनरेट कर ली अपने आइडिया से कि हमने कपूर काचरी से अगरबत्ती बनाई या हमने आर्टिमिसिया से बनाई या हमने टैजिटस मैनिटो से बनाई, ये लोकली उगते हैं और बहुत फ्रेग्रेंट होते हैं।